ब्रह्मास्त्र पार्ट वन दो बार देखने के बाद अभी भी इतनी सारी थ्योरीज हैं, सब इसके बारे में बातें कर रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपसे पांच थ्योरी शेयर करना चाहता हूं। नंबर वन, ईशा आलिया भट्ट का कैरेक्टर, वो कौन है, कहां से आई, हमें कुछ नहीं पता, पर उसके छूते ही शिवा की शक्तियां बढ़ गई, उसको सब कुछ दिखने लग गया। ऐसा क्यों? जो भी ब्रह्मास्त्र से जुड़ा हुआ है शिवा उनको देख सकता था, तो मूवी के सेकेंड पार्ट में ईशा को कैसे देखने लग गया? ईशा जुड़ी हुई है ब्रह्मास्त्र से? कुछ का कहना है वो विलन है, वो देव के साथ मिली हुई है। इन सब का जवाब हमें पार्ट टू ही दे सकता है। सेकेंड थ्योरी, जुनून का कैरेक्टर जो मोनी रॉय ने प्ले किया, वो देव को कैसे जानती है, वो क्यों उससे कनेक्टेड है, वो क्यों उसके लिए काम कर रही है। सबसे बड़ी थ्योरी ये है कि वो शिवा की बहन है, कि देव और अमृता के दो बच्चे थे शिवा और जुनून, जुनून अपने पिता के साथ रही जबकि शिवा अपनी माँ के साथ। नंबर थ्री, क्या देव सच में एक विलन है? क्या वो ब्रह्मास्त्र को पाना चाहता था सिर्फ अपने लिए, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, या कुछ और केस है उसके पीछे? क्या वो एक अच्छा इंसान था और ब्रह्मास्त्र की शक्ति को यूज करके कुछ अच्छा करना चाहता था, लेकिन ब्रह्मास्त्र उसके खिलाफ हो गया और एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से उसको विलन बना दिया? और मे बी वो सच में विलन है, तो क्या उसने अमृता को मार दिया पर किसी कारण वो उस मूर्ति में बंद हो गया और उसको वहां से निकलना था और जुनून ने उसका साथ दिया उसमें? नंबर फोर, अमृता क्या वो सच में मर गई कि वो जिंदा है? अगर देव सच में एक विलन था और अमृता ने उसको हरा दिया था तो वापस ब्रह्मास्त्र के पास क्यों नहीं आई? उसने एक बोट पे ब्रह्मास्त्र के दो टुकड़े रख दिए और वो चली गई अपने बच्चे के साथ, ऐसा क्यों? क्या वो जानती थी कि ब्रह्मास्त्र गलत है, या देव एक विलन नहीं था, या फिर अमृता देव से लड़ी ही नहीं? अमृता देव साथ में थे, ब्रह्मास्त्र के खिलाफ लड़ रहे थे, और जब लड़ाई खत्म हो गई तो एक हिस्सा ब्रह्मास्त्र का वो ले गई, देव को मूर्ति में ट्रैप कर दिया और बाकी दो हिस्से ब्रह्मास्त्र ने ले लिए। और ये भी हो सकता है कि ब्रह्मास्त्र ने ही अमृता को मार दिया लेकिन वो शिवा को कुछ नहीं कर पाए। और इन सब थ्योरी से आता है नंबर फाइव, क्या गुरुजी विलन है? अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर, क्या वो हमें सच बता रहे हैं कि झूठ? मे बी उन्होंने देव को विलन बना दिया। एक थ्योरी कि वो अमृता से प्यार करते थे और वो जेलस थे देव से, इसलिए देव को उन्होंने विलन बना दिया और सबको उसके खिलाफ खड़ा कर दिया, क्योंकि उसके बाद एक से ज्यादा अस्त्र थे और हमें पता है ब्रह्मास्त्र से बड़ा प्यार है। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, कौन खेल खेल रहा है, इस सब के पीछे सच में कौन है, ये सब हमें पार्ट टू और पार्ट थ्री में पता चलेगा। पर आपकी क्या थ्योरी है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और बहुत खुशी होती है कि इंडियन सिनेमा में एक ऐसी मूवी आई है जो फैन थ्योरीज क्रिएट कर रही है, हम सब उसके बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहले नहीं हुआ है और इंडियन सिनेमा में बहुत कुछ है डिस्कवर करने के लिए। इसलिए अगली वीडियो ये देखिए और मैं मिलता हूं आपको अगली बार।